हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच का विभव का अंतर है 60 वोल्ट। देख लो, चला ई हीटर है, मान लो कि ये हीटर है, कह रहा है ई हीटर है, और इसका वोल्टेज पहले से दिया हुआ है मेरी जान 60 वोल्ट। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा ग्रहण कर रहा है, यह 4 एम्पियर की धारा ग्रहण कर रहा है, यदि विभव इतना हो जाए, यदि विभव का मान 172.5 हो जाए, यदि विभव का मान 172.5 वोल्ट हो जाए, तो हीटर में कितनी धारा बहेगी, आई बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। यहां से आप आर निकाल लीजिए, आर बराबर हो जाएगा भी बटाई, आर बराबर हो जाएगा, भी का मान हो गया 60, आई का मान हो गया 4, आर बराबर हो जाएगा 15 ओम। यहां से आप ले लीजिए, यहां से निकालना आई, आई बराबर होता है भी या बटा आर, यहां से भी बटा आर लोगे तो यहाँ ई का मान हो जाएगा 172, 172.5 बटा आर का मान हो गया 15 एम्पियर इज द आंसर। एक बार फिर से समझना ही क्वेश्चन को, अब कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। हाँ, एकदम डिस्टर्ब नहीं करेगा, देखो बढ़िया से और समझने की चेष्टा करना। क्या कह रहा है, कहता है कि अगर R बराबर V बटा I है, R बराबर, पहले कह रहा है जब 60 वोल्ट के स्रोत से जोड़े तो 4 एम्पियर की धारा है इस हीटर की, तो इसका प्रतिरोध निकाल लिए, तो वही हीटर सेम है तो प्रतिरोध भी सेम होगा। और तब कह रहा है जब प्रतिरोध सेम होगा तो धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर V बाय R 172.5/15 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, हाँ E for dog is the answer। यानी पहले केस से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, दूसरे केस में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा E for दुल्हनिया ले जाएंगे। और कोनो काम नहीं है रे, छोटा सा पढ़ाई दो, इतना सीरियस सीरियस क्वेश्चन है। D for कहता है दुल्हनिया, पहले केस से प्रतिरोध निकालना है, दूसरे केस में प्रतिरोध रख के तब धारा का मान निकाल देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है, कौन रे, हाइड्रा, हाइड्रा जो है चिल्ला, इसमें मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन होता है, इसका कोशिका दो परतों द्वारा बना होता है। एक परत को हम लोग कहते हैं चिल्ला, जो बाहरी परत है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जो बाहरी परत है, बाहरी परत है, बाहरी परत को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और अंदरूनी परत को कहते हैं, अंदरूनी परत को कहते हैं, अंदरूनी परत को कहते हैं एंडोडर्म, 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 बाहरी परत को कहते हैं एक्टोडर्म, अंदरूनी परत को कहते हैं एंडोडर्म। जल्दी से लिख लीजिए सर, शादी करने का मन करता है अब, एकदम कीजिए चला जी, शादी तो एकदम आपको कर लेना चाहिए, पहले आपको जॉब नहीं लेना है, पहले आपको शादी ये कर लेना है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, हाइड्रा में दो परतें होती है, एक बाहरी परत जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं और अंदरूनी परत जिसको हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। लीवर फ्लक्स होगा नहीं, टेप वर्म होगा नहीं, प्लेनेरिया होगा नहीं, जल्दी लिख, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म किसमें होता है, हाइड्रा में, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म, अगला प्रश्न, हाइड्रा में होता है। आजा मोरे राजा, सब चला एकदम सॉलिड सॉलिड प्रश्न मिलेगा आपको, बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, महागड़बड़ है, मानव अमाशय किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पादन करता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, जठर रस क्या है,
जठर रस जो होता है ये अम्लीय होता है, जठर रस जो होता है ये अम्लीय होता है। जठर रस क्या होता है चला? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन की पाचन में मदद करता है, एकदम सत्य वचन है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन को क्षति किए बिना भोजन को पचाने में मदद करता है, एकदम सत्य वचन है। ये गलत है, केवल कथन दो सही है। केवल कथन दो सही है। अगला प्रश्न देख लो, फिर से समझाते हैं। मानव आमाशय में नाइट्रिक अम्ल नहीं, HCl गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है, केवल दो सही है। अगला प्रश्न, जब पानी को एक निश्चित मात्रा लगभग 0 से 4 तक बढ़ाकर 4 कर दिया था, इसका आयतन देखो, आयतन का ये ग्राफ है, ये 4 डिग्री सी है, इधर ताप है, इधर आयतन है, तो देख लो 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक कह रहा है निश्चित मात्रा को लगभग 0 से बढ़ाकर 4 कर दिया जाए, तो देख लो 0 से 4 तक, ये 0 है, 0 से 4 तक में घटेगा, 4 के बाद फिर बढ़ेगा। आंसर बता दो जल्दी, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता, सबको आंसर टाइप करना है इसका। मधुबनी से लाइव है जी जनाब, एकदम बहुत बहुत आभार आपका कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, एक पानी की एक निश्चित मात्रा को लगभग 0 से 4 बढ़ाकर 4 किया गया, तो 0 से 4 जब बढ़ाकर करोगे तो आयतन घटेगा 0 से 4 तक में, या बढ़ेगा, कम हो जाएगा? बहुत लड़का जो रट लिया होगा, पहले बढ़ता फिर घटता मार दिया होगा, आंसर गलत हो गया होगा। घनत्व का ग्राफ ठीक उल्टा होता है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ला 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 ला। हे आंसर, अगला जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक रियर व्यू दर्पण, रियर व्यू दर्पण होता है उत्तल दर्पण, फोकस दूरी है, देख लो ये उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, ये फोकस है, इसका फोकस है पॉजिटिव, इस साइड होता है +2 मीटर। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हो, यानी यू का मान हो गया -3 मीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब तो हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है उत्तल दर्पण में, तो दर्पण के सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब भी का मान निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v +1/u आप बराबर 1/f, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से निकालिएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/f -1/u, यहां से हो जाएगा 1/f, f का मान कितना है, f का मान कितना है +2, -1/u, u का मान कितना है -3, सॉल्व कर दीजिए कितना आता है, 1.2 आता है क्या, C4 कैट आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखिए आंसर आ जाएगा C4 कैट, दर्पण के पीछे बनेगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा P और F के बीच बनेगा, P और F के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और P और F के बीच बनेगा, हो गया? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है चला, अगर आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा P और F के बीच ही प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त ये समझ लो, यही ये कंटेंट है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, अन्यथा तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना, और ऐसा बदलेगा मेरे दोस्त कि तुमको पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में क्यों इतना गलत चीज हो रहा है। सारी चीजें जो अभी तुमको सीधी सीधी लग रही है वो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? ये को देखो, सीबेक प्रभाव की थॉमसन प्रभाव, इचला होता है, ये हो जाएगा सीबेक प्रभाव, आ थॉमसन प्रभाव कहते हैं विभव के कारण ताप,
विभव से अगर ताप जनरेट होगा तो थॉमसन, और ताप से अगर विभव जनरेट होगा इसको कहते हैं सीबेक प्रभाव, जूल का प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, जूल का प्रभाव कौन प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, पेल्टियर इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट कुछ खास नहीं है, ऊष्मा से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जान लो कि अगर ताप से विभव जनरेट होगा, कि थर्मोकपल का एक सिद्धांत था कि अगर दो तार ले लेते हैं, एगो आयरन का एगो कॉपर का, और अगर इसको एक को हॉट कर देते हैं इसको हॉट जंक्शन कर देते हैं इसको कूल जंक्शन कर देते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी अगर ताप देंगे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, ये बात कहा था किसने, सीबेक ने, और इसका उल्टा विभव होगा तो ताप हो जाएगा, ये कहा था किसने, थॉमसन ने। जल्दी से लिख लो, आंसर ठीक कर लीजिए, हम तब तक एक कमेंट्स एक दो को पढ़ लेते हैं। हो गया, अरे हो गया। अगला प्रश्न, कहता है सचम से गुजरने वाले कण, देख लो इचला हमेशा ध्यान रखना, एक दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का काम करता है जब एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ होगा वो एसएचएम में होगा, ओम के नियम का जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा, ओम का नियम का ग्राफ सरल रेखा होगा, परवलय होगा नहीं, वृत्त होगा नहीं, दीर्घवृत्त का निर्माण जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ होता है वो दीर्घवृत्त होता है, ओम का नियम में जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा होता है, दीर्घवृत्त आप पढ़े होंगे चला तो ऐसा होता है, दीर्घवृत्त नहीं रहेगा चला तो परवलयकार मार देंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत बात है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो इसमें चला जी बहुत बात है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं किसी तरल की समान मात्रा में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी है, बताता आंसर क्या होगा, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर। हाँ टेक्नीशियन ग्रेड वन का जो क्लास है चला बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है उसका पेपर, संघनन 1 से 2 दिन में, संघनन का मतलब होता है गैस, गैस नहीं कहिए जलवाष्प, द्रव में परिवर्तन, जलवाष्प से द्रव में बदलना, वाष्पीकरण सबसे धीमा, उच्च सभी ताप पर होता है वाष्पीकरण, सभी ताप पर वाष्पीकरण, और ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सबसे धीमा होता है, सभी ताप पर होता है और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है, क्वथन जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी फिक्स है, एक निश्चित ताप पर होता है, हिमांक का मतलब होता है जमना, संघनन जलवाष्प का द्रव में बदलना, वाष्पीकरण सबसे धीमी विधि है वाष्पीकरण, सभी ताप पर होता है और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अतः किसी तरल की समान मात्रा के लिए सबसे धीमी विधि, अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता, वीडियो रुक रुक कर नहीं आ रहा है दोस्त मेरे, आप जो है देख नहीं रहे, आपका नेटवर्क का समस्या है, एरोप्लेन मोड में डाल के फिर से ऑन कीजिए। अगला धनजी कुमार जी बर्दाश्त कीजिए, 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्रेड वन वाला टेक्नीशियन का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ई तो सब मार देगा, आज ही ब्रह्मास्त्र में बताए हैं वेक्टर एंड स्केलर में, कौन सा एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, घनत्व एक अदिश राशि है, जो तुमको पूछेगा पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है, इस सब चला अदिश राशि है, इस सब कौन राशि है, अदिश राशि है, जल्दी लिख लो, दबाव धारा घनत्व पृष्ठ तनाव, ये इतने पूछता है, इसको बढ़िया से नोट कर लो।
आप इंग्लिश मीडियम वालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। शिला जी हम सब पर ध्यान देते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूंकि कम है, कितने बच्चे जो हैं जो हिंदी मीडियम से हैं कृपया एक टाइप कर दीजिए, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो कृपया दो टाइप कर दीजिए। शिला क्वेश्चन का स्तर इतना बढ़ गया है कि आपको एकदम एक एक बात जो है सही से पढ़ना होगा और एकदम धीरे से कंटेंट ग्रहण करना होगा। बाबा आओ 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 करके कंटेंट देंगे नहीं होगा, चला कामे नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले कृपया एक टाइप कीजिए, देख लो। चला दबाव जो है, दबाव का दबाव धारा घनत्व पृष्ठतनाव यह अधीश राशि है, बाकी सब सदीश राशि है। बल कभी अकेले नहीं होता है, बल जब भी होगा जोड़े में होगा। आ हा हा जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। अच्छा बताओ नोबेल पुरस्कार जो मिला था आइंस्टाइन को, नोबेल जो मिला था आइंस्टाइन को किस सिद्धांत के लिए, आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था किस सिद्धांत के लिए। एक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और दूसरा है चला सापेक्षिकता का सिद्धांत या आपेक्षिकता का सिद्धांत, एक के बात है सापेक्षिकता का सिद्धांत। बता दो जल्दी से क्या होगा, नोबेल जो 1921 में मिला था इसको किस सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, बताओ व्हाट इज द आंसर। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। पिछला प्रकाश से विद्युत निकाला था इसीलिए इसको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइजक न्यूटन होगा नहीं, स्टीफन हॉकिंस क्या किया था, चला ब्लैक होल्स के बारे में बताया था, ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंस ने बताया था। मैरी क्यूरी रेडियम और पोलिनियम की खोज, रेडियम और पोलिनियम की खोज जो है वो मैडम मैरी क्यूरी ने किया था। ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंस ने, आइजक न्यूटन तो ढेरी चीज है चला। एकदम आराम से अगला नोबेल आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, नोबेल जो मिला था आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए नहीं, इसने प्रकाश से विद्युत निकालने की व्याख्या की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दिया था ई बराबर एमसी स्क्वायर, इस सबको पता होगा, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है ई बराबर एमसी स्क्वायर के बारे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है, चला सिलिका का किया जाता है, चूना पत्थर अल्मोनियम ऑक्साइड, गैलेना का नहीं किया जाता है, गैलेना लेड का शीशा का अयस्क न है रे, पीबीएस बोलते हैं इसको। सिलिका का उपयोग करते हैं रगड़ने के लिए, सिलिका का उपयोग रगड़ने के लिए, चूना पत्थर का उपयोग भी रगड़ने के लिए, अल्मोनियम ऑक्साइड झाग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ग्लिसरीन का उपयोग होता है, ग्लिसरीन जो होता है ये नमी को बनाए रखता है, और रेजीन जो होता है ये झाग देता है, रेजीन जो होता है मेरी जान ये झाग देता है, ग्लिसरीन नमी को बनाए रखता है और रेजीन जो होता है वो झाग देता है, ग्लिसरीन नमी को बनाए रखता है और रेजीन जो होता है वो झाग देता है। देख लो ग्लिसरीन हमेशा अगर आपको कहेगा कि हम लोग जो वो क्रीम लगाते हैं शेविंग क्रीम, उसमें ग्लिसरीन क्या करता है नमी को बनाए रखता है, रेजीन क्या करता है चला झाग देता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। कल से एक से दो दिन में चला 40 लोगों की एक्स्ट्रा टीम हम बना दिए हैं जो स्टूडेंट हेल्प डेस्क में काम करेगा, 40 एक्स्ट्रा लोग होंगे जो एक एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे। चाहे वो कॉलिंग टीम में है, चाहे वो ऑनलाइन रिप्लाई है, मैसेज का रिप्लाई है, अन्य चीजें सारी चीजें करेंगी पूरी कंप्लीट, चूंकि बिहार सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, 40 लोगों की टीम हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। गैलेना इज द राइट आंसर। चूना पत्थर की अगर बात करोगे, इसको लिख लिया ग्लिसरीन नमी के लिए, और चूना पत्थर की अगर बात करोगे चला CaCO3, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है
कि जब ये हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये CaO प्लस CO2 बनेगा। CaCO3 जो है चलाई, CaO अब प्लस CO2 बनेगा। आंसर कट ऑफ बता दे, कट ऑफ तो आप टेस्ट देते होंगे तो आपका रिजल्ट एवे करता होगा। कट ऑफ जो आपका टेस्ट देते होंगे तो आपका रिजल्ट चला एवे करता होगा। मैं आप देखिए आपको टॉपर्स का दिखाता है, नीचे स्लाइड कीजिएगा आपको टॉपर्स का दिखा देगा। आजा मोरे राजा, इसको कर दो बड़ा। देखो चला दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित कण कौन सा है, तो जकरा में देख लो रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट होगा वो संतुलित हो जाएगा। बताओ जल्दी से इसमें कौन संतुलित है। ए नंबर में दू गो बेरियम है, दू गो बेरियम है, यहां भी चला दू गो बेरियम है। देखो यहाँ क्लोरीन है 3 × 6 गो, यहाँ क्लोरीन है 4 गो, तो ये अनबैलेंस है। यहाँ देख लो क्लोरीन है 3 × 6 गो, यहाँ भी 3 × 6 गो है, ये बी नंबर देखो बैलेंस है। आपके पास अगर इस सवाल होगा चला तो ये बैलेंस है, आप चेक कर लो। 3 गो बेरियम यहाँ है, 3 गो बेरियम यहाँ है, सल्फर यहाँ है 3 गो सल्फर, यहाँ सल्फर देख लो कितना है 3 गो सल्फर है। यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 × 12, यहाँ भी ऑक्सीजन देख लो 4 × 12, सब बैलेंस है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला कहता है कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया, एकदम चला देख लो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा CaOH2। आपको पता होगा इसको कहते हैं अनबुझा चूना, इसको कहते हैं मेरी जान अनबुझा चूना, और इसको हम लोग कहते हैं मेरी जान बुझा चूना, इसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना। जल्दी से बता दो क्या बनेगा। कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है बुझा चूना बनाता है, और यह अभिक्रिया आपको देखने में कैसा लग रहा है बताइए। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है जब ए बी के ए प्लस बी में बटेगा। संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करोगे, संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करोगे, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी बराबर ये ए बी का निर्माण करेगा, और विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन द्वि विस्थापन होता है, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा ग्रहण करेगा। हमको लगता है संयोजन अभिक्रिया के साथ आप जाइएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ ए और बी आपस में जुड़ के ए प्लस बी का निर्माण किया है। आंसर आंसर ए और बी आपस में जुड़ के, ए और बी आपस में जुड़ के किसका निर्माण किया है, ए प्लस बी का निर्माण किया। जल्दी लिख। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और फरमाइएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण उसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। देख लो चला कार्बन के बारे में कुछ चीजें जान लो, पूछेगा ही पूछेगा ये श्रृंखला बनाता है। अगर कार्बन की बात करोगे तो ये श्रृंखला बनाता है, और अगर कार्बन की बात करोगे तो ये अपने छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है, छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनाता है, छोटे आकार के कारण कैसा बंधन बनाता है मेरी जान, मजबूत बंधन बनाता है छोटे आकार के कारण। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4। इसका संयोजकता की अगर बात करोगे, संयोजकता भी होता है 4, और इसमें सहसंयोजक बंधन बनता है, इसमें सहसंयोजक बंधन बनता है, और ये विद्युत का कुचालक बंधन बनाते हैं, ये जल्दी अपना बंधन तोड़ता नहीं है। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। बिहार सिविल कोर्ट का, हाँ चला बिहार वाला जो चैनल स्टार्ट हो रहा है उसमें सारा चीज तुमको मिल जाएगा A to Z। कहते कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, वह गुण श्रृंखला गुण कहलाता है। एकल संयोजक, त्रि संयोजक, अपर रूपता, अपर रूपता होता है जैसे ऑक्सीजन का अपर रूप है, ऑक्सीजन का अपर रूप है जैसे, या कार्बन का अपर रूप ले लो, कार्बन का अपर रूप है कौन कौन, एक है ग्रेफाइट,
बाद है फुलरीन, के बाद है हीरा, ये सब क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा, ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा, जिसको भी चला, जो भी, अगर 4-5 घंटे आप काम करना चाहते हैं कॉलिंग टीम वगैरह में, तो कल रिक्रूटमेंट है, आप 12 बजे आ सकते हैं। कल 12 बजे। अपरूपता, कार्बन, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा, यहां देख लो, ये कार्बन श्रृंखला गुण रखता है, छोटे आकार का मजबूत बंधन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, चार संयोजकता, चार और सहसंयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन बनाता है? चला सहसंयोजक। कहेगा कौन ऐसा है जो श्रृंखला गुण बनाता है, जिस तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? श्रृंखला गुण बनाता है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा कहते हैं? ये तो सबको पता होगा। कौन रे? इलेक्ट्रो है सबसे अधिक मीठा, फ्रुक्टोज ना? हाँ, सबसे अधिक मीठा कौन? सबसे अधिक मीठा हो जाएगा चिल्ला फ्रुक्टोज। तुरंत ऊर्जा कौन देगा? तुरंत ऊर्जा अगर कहेगा, तुरंत ऊर्जा कौन देगा? तो ग्लूकोज। माल्टोज होगा नहीं, गैलेक्टोज होगा नहीं, सुक्रोज होगा नहीं। इसमें दुग्ध सरक, किसको दुग्ध सरकरा कहते हैं? जब ये दुग्ध की बात आ गई, मतलब लैक्टिक एसिड की बात करेंगे, लैक्टोज की बात करेंगे। जब ये दुग्ध की बात आ गई, मतलब लैक्टिक एसिड की बात करेंगे, सबसे अधिक मीठा कौन होता है? चला फ्रुक्टोज। सबसे अधिक तुरंत ऊर्जा कौन देगा? ग्लूकोज। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? वसा। ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। पता चला, एनसीईआरटी का सवाल है, कहता है यूकैरियोटिक मतलब हो गया आप प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित, जैसे अमीबा, शैवाल, नील हरित शैवाल। यूकैरियोटिक में हो गया स्तनधारी। यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित कह सकते हैं, स्तनधारी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इचला अविकसित होता है, इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, एटीपी को। इससे जो बनता है चला एटीपी, इस एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को तो चला विद्युत हाउस कहते हैं, पावर हाउस मतलब विद्युत हाउस। और गोल्जी बॉडी, ये क्या करता है? आवागमन के लिए जिम्मेवार है, खाद्य पदार्थों के आवागमन के लिए जिम्मेवार है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। आप प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोल, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है। चला मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का निर्माण, ऊर्जा मुद्रा, प्रोकैरियोटिक, अविकसित, अमीबा, गोल्जी बॉडी, आवागमन के लिए, खाद्य पदार्थ के आवागमन के लिए, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। अगर कहेगा राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर पाया जाता है। चला जी, जिनको जो प्रॉब्लम है ना, नंबर भेजिए, मोबाइल नंबर भेजिए, हम इधर से कॉल करवा देते हैं। देखो नंबर होगा, नोट कर लो। अगला प्रश्न, म्यूरिएटिक अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। इचला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? गंधकाम्ल, या इसी को चला अम्लराज भी कहते हैं। आप पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल बोले तो नाइट्रिक अम्ल, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को चला नमक का अम्ल भी कहते हैं। अब परक्लोरिक अम्ल तो कुछ खास नहीं है। जिनको जो प्रॉब्लम अगर कोई, तो नंबर भेजिए। चला जी, हम इधर से कॉल करवा के आपका प्रॉब्लम दूर करवा देंगे। 40 से 45 आता है, 55 आता है, तो बहुत ज्यादा है। चला एकदम टॉप थोड़े करना है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक अम्ल, अम्लराज, पिक्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होगा चला वो कौन अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल होता है। एकदम चला हम आराम आराम से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रश्न पढ़ा देंगे। अगर आप में पेशेंस है तो 35 से 40 मिनट मेरी क्लास लगती है, आप 9:20 में संडे टू संडे, एक आध दिन अगर मिस हो जाएगा चला तो समझ लेना कि आज गुरुजी का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, तो अगले दिन से फिर गुरुजी उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा होता बहुत कम है। कल कहाँ पे आना है, 12 बजे यहाँ ऑफिस में आके मिलना, कुछ बच्चों का रिक्रूटमेंट है कल, अगर आप आ पाते हैं तो जरूर आइए। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, देख लो अभी तुरंते पढ़ा के आए हैं, धारावाही चालक है, इसके अंदर जब इसको करंट देते हैं तो एच सी और स्टेट कहता था मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, ई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसा इधर से आओगे ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, अब बताओ क्या होगा। सिरों पर कम और केंद्र पर अधिक, सिरों पर अधिक केंद्र पर कम, एक समान और अशून्य, एक समान और अशून्य, एक समान होगा और शून्य मतलब शून्य नहीं होगा, हर जगह समान होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस पूरे को अगर हम डिफाइन करें तो क्या क्या तुमको पूछेगा, एक तो एक समान होगा एक बात, दूसरा संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, अंदर में अगर कहेगा, अंदर में, अंदर में अगर कहेगा, अंदर में तो कहेंगे समानांतर होगा, अंदर में समानांतर होगा, अब बाहर में अगर कहेगा, अंदर में कैसा होगा, अंदर में देख लो चला इस समानांतर होगा, बाहर में वक्राकार होगा, और अगर कहेगा बाहर में, इतने क्वेश्चन अगर घूम रहा है, बाहर में वक्राकार होगा, इसके अंदर कोई अस्थायी चुंबक जैसे नरम लोहा इत्यादि अगर डाल दोगे तो उसके अंदर तो ये भी वो भी चुंबकित हो जाएगा, इतना क्वेश्चन पूछता है। देख लो परिनालिका के अंदर, ये परिनालिका किसको कहते हैं, जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट दोगे तो इसे परिनालिका कहते हैं, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, संकेंद्रीय वृत्त, देखो ये दोनों का वृत्त का एक ही केंद्र है, संकेंद्रीय वृत्त कंसेंट्रिक सर्किल, अंदर में समानांतर रेखाएं होती है और बाहर में जो होती है वो वक्राकार होता है, बाहर जब भी होगा वक्राकार होगा, आंसर हो जाएगा एक समान और अशून्य, एक समान और क्या हो जाएगा चला अशून्य हो जाएगा आंसर। पटना में मुसल्लापुर हाट मेन गेट के सामने महेंद्रू, लिख लिया आंसर बता दो अब जल्दी से, क्या हो जाएगा एक समान और अशून्य यानी शून्य नहीं होगा, जल्दी से लिखो, एक समान संकेंद्रीय वृत्त, अंदर में समानांतर होगा इसे, अब बाहर में वक्राकार होगा, और है 74 और 75, कहते हैं बता नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन, यही गलत है, आज की क्वेश्चन टेस्ट में भी था शाम में, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, मेंडलीफ जो किया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पर ध्यान केंद्रित किया था, आज था टेस्ट में ही क्वेश्चन, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था, कार्बन और हाइड्रोजन ही गलत है, उन्होंने इन तत्वों का चयन, इन तत्वों में जब ये कह दिया, जब तत्व गलत ही कार्बन और हाइड्रोजन ही तत्व जो कह रहा है यही गलत है, तो इन तत्व तो एकदम साफ ही गलत हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए था, आंसर हो जाएगा दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है, ये आज ही आया था टेस्ट में चला। अगला, किसी निकाय में एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, सब मार देगा जल्दी बता, कौन बल कहते हैं रे, किसी निकाय में एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कौन बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल नहीं मार देना, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है और ये एक काल्पनिक बल है, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, हमको लगता है क्वेश्चन कल था क्या रही क्वेश्चन, सबसे कमजोर बल है, जब चला आप बहुत सारा टेस्ट मारोगे ना तो आपका क्वेश्चन रिपीट होगा तब, और तब आपके नंबर्स बढ़ेंगे, यांत्रिक बल कुछ होता नहीं है, 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन था, बाहर की ओर लगने वाला बल काल्पनिक बल होता है, बाहर की ओर लगने वाला बल कौन बल होता है, काल्पनिक बल होता है, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है, चला हम डेली 9:20 में आते हैं,
अगर एक आध दिन नहीं आ पाएंगे तो उसके लिए सॉरी, तो समझ लो फिर कल तो गुरुजी मिलेंगे ही मिलेंगे। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? और कल से चला आपका एक दो दिन के अंदर हेल्प डेस्क बहुत मजबूत हम कर दे रहे हैं, ताकि आप बच्चों को जो छोटी छोटी समस्याएं होती है वो ना हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। हम एक ही बात कहेंगे, भर मन पढ़िए। पढ़ने वालों की संख्या कम है, फॉर्म रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या है, रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या, डेली पढ़ने वालों की संख्या, नियमित पढ़ने वालों की संख्या कम है। जितना जॉब है उससे कम नियमित पढ़ने वाले छात्र हैं, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। नमस्कार, मिलते हैं कल फिर 9:20। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे आप लोग अच्छे हैं? तो आज के एलपी सेट के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है, और रीजनिंग के सभी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव एसके झा सर के चैनल से। तो आप सभी का वेलकम है, और चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की तरफ। और पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है तो देखोगे जरा। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि सीरीज का अगला समूह निकालना है कि क्या होगा। तो पहले क्यों ना नंबर देख लिया जाए। अच्छा, 2 से 7 में क्या लगता है कि क्या किया गया है? 2 से 7 में क्या किया गया है बताओ? तो 2 से 7 में +5 किया गया, हाँ कि ना? फिर 7 से 14 मतलब +7 किया गया, फिर 14 से 23 मतलब +9 किया गया, फिर +11 तो आप क्या करेंगे ये बताओ? +13 करेंगे, तो 34 में 13 अगर ऐड कर देंगे तो 47 आ जाएगा। मतलब 47 जिसमें ना हो उसको आप काट सकते हो, मतलब बी भी कट गया, ए भी कट गया, एक बार में आंसर सी। लेकिन फिर भी चलो निकालते हैं। अच्छा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, एक एक घटता जा रहा है, तो डब्ल्यू के बाद भी के बाद क्या हो जाएगा? यू। अब ये नंबर 5 से 2 बढ़ा 7, फिर 2 ही बढ़ा 9, 2 ही बढ़ा 11, 2 ही बढ़ा 13, तो 2 ही बढ़ेगा 15 हो जाएगा। अब मिल गया ना, हाँ कि ना? चलो पहला क्वेश्चन बन गया। अब जब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपका ये रहा। चलो अगला प्रश्न आपका एनालॉजी से है, किससे है? एनालॉजी से। कह रहा इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। y का अपोजिट b, w का अपोजिट d, u का अपोजिट f, और s का अपोजिट h। मतलब क्या किया गया है? अपोजिट लेटर, मतलब विपरीत अक्षर किया गया है। क्या किया गया है? अपोजिट लेटर। तो जरा बताइए, w का अपोजिट D हो जाएगा, u का अपोजिट f हो जाएगा, s का अपोजिट h, और q का अपोजिट j। मतलब डी एफ एच जे, एक ही ऑप्शन में था डी, ऐसे ही निकल जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आया है सबका? चलो आप लोग भी आंसर को कमेंट करते जाएं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है? ओके चलो, तो अगला सवाल ये रहा, है ना? चलो फिर चलो ये रहा क्वेश्चन। कह रहा कुछ घोड़े जो है ना हाथी हैं, तो जी से क्या हो गया? घोड़े। और कुछ घोड़े जो हैं क्या हो गए? हाथी हो गए। और कह रहा कुछ हाथी घड़े हैं, तो कुछ हाथी घड़े, तो ये घड़ा हो गया, ये घोड़ा हो गया, ठीक है? और कुछ घड़े टावर हैं, मतलब बड़ा ही आसान फिगर है ना। पहला निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है वो देखो। पहला निष्कर्ष कह रहा कि कुछ टावर घोड़े हैं, तो बताइए ये टावर है और ये घोड़ा है, कोई संबंध है बताओ? टावर और घोड़े में कोई संबंध है? नहीं। दूसरा, कुछ घोड़ा टावर नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कंक्लूजन कभी भी कंफर्म नहीं माना जाता। अब गलत तो दोनों हो गया, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है,
दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और कुछ के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब आइदर यहां पर होगा। यहां आइदर का नियम काम करेगा तो आइदर हो जाएगा, तो किस ऑप्शन में है बताओ, आइदर किस ऑप्शन में है, सी में, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो। क्लियर हुआ, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो। तो बढ़े अगले सवाल पे, चलो अगला सवाल ये रहा, चलो तो ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पुत्र से कहा, मतलब कहने वाला व्यक्ति एक आदमी है, क्या किससे रहा, अपने पुत्र से, लेकिन किसके बारे में, तो बस में एक लड़की है उसके बारे में वो इशारा करते हुए अपने बेटे को क्या कहता है कि वह, वह मतलब कौन, वह मतलब लड़की, तो वह लड़की कौन, तो मेरे, मेरे मतलब कौन, तो वह आदमी, मतलब आदमी उस लड़के के बारे में क्या, लड़की के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि वह मेरे पिता की पत्नी। अच्छा बताओ, मेरे पिता की पत्नी मतलब आदमी के पिता की पत्नी, तो कह रहा है वह लड़की कौन है, तो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। अच्छा, इनका इकलौता पुत्र खुद ही आदमी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनको मात्र एक ही बेटा है तो आदमी होगा, के पुत्र की पुत्री है, और इसकी कौन है, वो पुत्री है, कौन, तो वह लड़की ही। बन गया, बन गया कि नहीं, तो आदमी कहता है कि वह लड़की मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो सवाल है लड़की उस आदमी से, लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगी, तो पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो पुत्री हो जाएगी, है कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, तो पुत्री। क्लियर, ये सवाल लेकिन डायरेक्ट बनता, अब ये सवाल डायरेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, करना कुछ है, आदमी के जगह पर आप खुद को एज्यूम कर लो, मान लो कि वह आदमी आप हो, तो आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी मां, आपके पिता की पत्नी आपकी मां, आपके मां का इकलौता बेटा आप ही ना होंगे, तो आपकी मां का इकलौता बेटा आप, और आपकी बेटी है वह लड़की, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। बन गया, अगला सवाल ये रहा, चलिए अगले सवाल में, इस सवाल बताओ, बच्चा वाला सवाल है, तो कह रहा है इसमें सबसे पहले लास्ट में पढ़ लो, मानव रक्त का रंग कौन सा होगा, तो मानव रक्त का रंग ना लाल होता है। अब देखना यह है कि लाल को किस में कोड किया गया है, ध्यान से देखो, काला का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है हरा, तो लाल का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो हरा दिया हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर लाल ना होकर के हरा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, अभी तक तो आसान आसान क्वेश्चन दिखे हैं, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, और ये रहा आपका प्रचार, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रश्न का लिंक लाइव चैट में मिलेगा, ठीक है, क्लियर, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर करना है तो ये लिंक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं, है ना, पता नहीं क्या है ये। चलो अगला सवाल आपके सामने में क्या है, तो मिरर इमेज से, इससे है मिरर इमेज से, और ये रहे आपके ऑप्शंस, है ना, ये रहे आपके ऑप्शंस। अच्छा मिरर कौन सा, ये बताओ, निम्नलिखित सभी प्रश्नों में, सभी छोड़ो, निम्नलिखित प्रश्न में एक दर्पण MN, मतलब ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में पता है आपको, समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, दाएं की चीजें बाएं हो जाएगी, बाएं की चीजें दाएं हो जाएगी, मतलब ये जो प्लस बाईं तरफ दिख रहा है दाईं तरफ दिखेगा, किसमें नहीं है, तो सर सब में है, ये जो सर्कल दाईं तरफ, ये जो माइनस बाईं तरफ दिख रहा है ये माइनस दाईं तरफ होगा, किसमें नहीं है, मुझे तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां भी दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस सी डी नहीं होगा, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा, आंसर एक बार में बी हो गया, उसे मैं पूरा बना देता हूं, त्रिभुज जो बाईं तरफ है वो त्रिभुज दाईं तरफ हो जाएगा, स्क्वायर जहां है वही रह जाएगा, रहेगा ना, अब ये जो कलर किया हुआ सर्कल है वो इस तरफ आ जाएगा, सर्कल इस तरफ आ जाएगा, बताओ है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो है, आंसर क्या हो गया, तो बी हो गया। अगला सवाल ये रहा, चलो अगला सवाल ये रहा, अब कह रहा है कि इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें से कौन सा सिंबल आएगा,
इसमें से कौन सा सिंबल आएगा? अब जरा बताइए, अब देखिए अगर यहां पर बराबर रख दें अब प्लस अगुना तो 25 या 75 हो जाएगा, 15 कभी आएगा नहीं। अब कह रहा मल्टीप्लाई और डिवाइड रख दो, मल्टीप्लाई, अब बताइए मल्टीप्लाई और डिवाइड रख दें इज इक्वल टू, तो क्या हो पा रहा है देखो तो मतलब 15 गुना 5 बटा 3, तो 3 से 5 मतलब 25 हो गया, आई इज इक्वल टू 25 हो गया, तो किससे? बी नंबर से। किससे आया? तो बी नंबर से आया। ये तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि डिवाइड को आप लास्ट में अगर रख देंगे, डिवाइड को अगर लास्ट में रख देंगे यहां बराबर रख देंगे तो 3/25 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, मतलब बी से आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कहता है ये रहा, देखो अगला सवाल चलो अगला सवाल में कह रहा है सोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, मतलब किधर जा रहा हूं नहीं बताया, तो रोहन बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 8, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपने मन से चल लेंगे, अपने मन से चलेंगे। 8 किलोमीटर चला फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर दूर, दाहिनी ओर मुड़ करके क्या किया तो 5 किलोमीटर दूर बिंदु, यहां पर गलती है लग रहा है, बिंदु तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए तक पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके क्या करता है 7 किलोमीटर, ठीक है ये 8 है तो उससे थोड़ा पीछे, फिर से दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर दूर बी तक पहुंचा, फिर से दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर दूर कहां पहुंचा बी पर। तो सवाल है बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी होगी, आप ही बताओ, ये रहा एक्स ये रहा बी, तो x से b के बीच की दूरी कितनी, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, 8 में से 7 गया तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर क्या चला गया तो a चला गया, आपका आंसर क्या चला गया तो a चला गया, कोई दिक्कत तो बताइए। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है इसमें बताओ जल्दी से, क्या दी गई चित्र में कुल आयतों की संख्या कितनी है, इसमें आयतों की संख्या कितनी है, देखो एक आयत ये दिखाई दे रहा है तो कहिएगा हां सर, एक उसके ठीक नीचे दो, एक ये पूरा तीन, जल्दी से गौर से बताओ क्या तीन ही है कि और भी है, कमेंट करके बताओ क्या तीन है कि और है, जल्दी से बताओ तीन आयत या कितने, पक्का तीन ही आयत होगा, ध्यान से देखो दो ये हुआ, दो के बाद एक ये वाला हो गया तीन, कहा है एक ये आयत नहीं कहिएगा, वर्ग भी एक आयत है पता है ना, यानी कि तीन प्लस एक चार आयत हो जाएंगे, और आयतों की संख्या तीन नहीं होगी कितनी हो जाएगी तो चार, क्योंकि वर्ग को भी ना आयत कहा जाता है, समझ गया। तो अगला सवाल ये रहा, ठीक है चलिए चलिए अगले सवाल के लिए ऑप्शंस इधर कर देता हूं मैं, चलो अरे ऑप्शन ही सबसे बड़ा हो जाता है जी, ये अभी भी ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन बाद में ढूंढ लेंगे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, अब कौन आंसर देने के लिए पर्याप्त है, कह रहा पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें तो क्या पहले से आंसर आएगा, तो कह रहा उस पंक्ति में मनोज बाएं छोर से 12वां और रिया बाएं छोर से 4था है, इससे बताइए निकल पाएगा कुल, नहीं निकलेगा, दोनों रैंक बाएं से है तो कैसे निकलेगा, कह रहा हरी उस पंक्ति में दाएं छोर से आया है तो यह भी नहीं होगा, अकेला कोई भी आंसर नहीं दे सकता, लेकिन अगर दोनों को मिला दे तब भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एक और दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, केवल कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यह नहीं होगा,
आगे क्या कहता है वो बताओ। ए नंबर नहीं होगा, बी में यदि केवल कथन दो में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं होगा, या तो होगा नहीं, मतलब आंसर क्या चला जाएगा, डी। यदि कथन एक और कथन दो दोनों में डाटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, आंसर डी। कुछ भी कर लो, पंक्ति में कुल बच्चे की संख्या आप नहीं निकाल सकते। तो चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। कह रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ ग्लास टेबलेट है, जिससे ग्लास हो गया, और कुछ ग्लास क्या हो गया, टैबलेट, सभी मशीन टैबलेट। तो क्या करना होगा, सभी मशीन टैबलेट हैं तो वो भी इसी के अंदर में रहेगा, तो सभी मशीन, तो ये रहा मशीन। तो कुछ गिलास टैबलेट हैं और सभी मशीन टैबलेट हैं, बन गया। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी टैबलेट के मशीन होने की संभावना। अब ये बताओ, जब रिवर्स में हो सभी टैबलेट के मशीन होने की संभावना, रिवर्स में संभावनाएं क्या होती है, सही, क्यों, क्योंकि सभी मशीन टैबलेट का हम एक ये भी डायग्राम बना सकते हैं। अब बताओ सभी टैबलेट का मशीन होना संभव है कि नहीं, तो हाँ। कह रहा सभी मशीन के ग्लास होने की संभावना, सभी मशीन के ग्लास होने की संभावना, यह भी संभव है। सभी ये नहीं कह रहा है कि कुछ ग्लास क्या है, टैबलेट है। तो सभी मशीन के ग्लास, यानी कि दोनों के दोनों संभव हैं। यदि केवल निष्कर्ष एक, यदि केवल निष्कर्ष दो, यदि या तो निष्कर्ष एक या दो, यदि ना तो दोनों सही होगा। सभी मशीन के ग्लास होने की संभावना, सभी टैबलेट के मशीन होने की संभावना, यहां दोनों होगा, आज दोनों होगा। यहां पर सही करो, यदि निष्कर्ष एक और क्या हो जाएगा, दो, गलत दिया हुआ है, इसका सही करो, दोनों सही होगा, इसका दोनों सही होगा। समझ गए, इसका एक और दो दोनों होगा, आंसर सही कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर बी दे रहा है, क्या दे रहा है, बी। तो बी में क्या कर लो, यदि केवल निष्कर्ष एक तथा दो अनुसरण करता हो, एक तथा दो अनुसरण करता हो, दोनों सही है, 100% श्योर। अगला क्या कहता है देखो, हाँ तो क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं, कितने आदमी, आठ आदमी, तो चार दो छह दो आठ। कह रहा है एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर और सी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो एफ कहां, तो कह रहा है ए से तो दाएं दूसरा हो गया, एफ ए के तो दाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन सी के बाएं तीसरा हो गया। कह रहा बी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, अब बी कहां पर, तो सी के बाएं दूसरा यहां हो जाएगा, तो बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर और एच के दाएं चौथे स्थान पर, इसका मतलब एच यहां हो जाएगा। जब आठ लोग हो दाएं चौथा बोले या बाएं चौथा बोले, समझ जाओ कि सामने बैठेगा, तो बी सी के बाएं दूसरा और एच के दाएं चौथा हो गया। अब कह रहा है डी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है जी के दाएं, क्या जी के दाएं दूसरा डी होगा, नहीं, क्या जी के दाएं दूसरा डी होगा, नहीं, मात्र एक सिचुएशन बच गया कि जी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, डी। तो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई बचा हुआ है, कौन बचा हुआ, ई। तो सवाल है ई के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, तो ई से दाएं दूसरे में कौन बैठा हुआ है, तो बी बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है, तो बी बैठा हुआ है, क्लियर है। चलो अगला सवाल ये रहा, ये रहा अगला सवाल, ये रहा। चलिए क्या कहता है, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और दो के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, दो के सामने, देखो तीन छह कॉमन, तो दो के सामने क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, दो के सामने क्या हो जाएगा, तो पांच हो जाएगा, दो के सामने क्या हो जाएगा, पांच, थोड़ा कम दिख रहा होगा व्हाइट वाला, है ना, क्लियर। चलो अगला सवाल ये रहा,
कह रहा है नीचे प्रश्न में एक बड़े अक्षरों का एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में दिए गए। कह रहा है दिए गए अक्षर का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या बोर्ड बनेगा? तो बी ओ इसमें है ही नहीं। अब ओ जब नहीं है तो बोर्ड नहीं बनेगा। अच्छा मेटल बनेगा क्या? तो एम ई टी ए एल मेटल शब्द बनेगा। आंसर क्या हो गया? बी। कौन सा शब्द बनेगा? तो मेटल बनेगा। क्या शब्द बनेगा? तो मेटल बनेगा। क्लियर? चल अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है तो देखो, दो कथन दिया गया है, कौन कारण कौन प्रभाव की दोनों कारण की दोनों प्रभाव पता करना है, है ना। देखो क्या कह रहा, इस बारिश के मौसम में शहर में जल जनित रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है, तो यह किसी न किसी चीज का कारण है। क्या है ये? एक कारण है कि इस बारिश के मौसम में शहर में जल जनित रोगों से, जो जल से होने वाले रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। दूसरा, सरकार ने साल की शुरुआत में शहर ए में चार नए अस्पताल खोले हैं, तो ये तो कारण हो सकता है। यानी कि लेकिन दोनों कारण दोनों अलग अलग बातें हैं। ये मौसम में शहर और बीमारी की बात कर रहा है, ये शहर में अस्पताल खोलने की बात कर रहा है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, कथन एक कारण और प्रभाव, प्रभाव तो है नहीं। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव तो है नहीं। दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारण है, सी होगा। प्रभाव तो है ही नहीं कोई। आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही कारण है लेकिन अलग अलग कारण है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए ये रहा सवाल है कैलेंडर से कि 3 मार्च 1905 को गुरुवार था, तो 3 मार्च मतलब डेट सेम है, 2005 को क्या होगा? अब जरा दिमाग लगाओ, 1905 से 2005 कितने वर्ष हो गए? तो 100 वर्ष हो गए। अब 100 वर्ष में 75 जनरल ईयर हो गया और 25 लीप ईयर हो गया। सर 24 ही ना लीप होगा 100 में? नहीं, बीच में 2000 आ रहा है तो 25 लीप हो गया, है ना। यानी कि 100 वर्षों में 100 दिन तो जरूर बढ़ेगा और प्लस 25 लीप के कारण 25 दिन और बढ़ जाएगा। मतलब कितना दिन बढ़ेगा? 125 दिन। 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचा बताओ? शेष कितना बचा? 7 से एक बार में 7, 5 और 55 49, मतलब शेष कितना बचा? 6। आपको 6 दिन बढ़ जाना है। कहां से? तो गुरुवार से। गुरुवार में जब आप 6 दिन बढ़ेंगे ना तो बुधवार आएगा। क्या आएगा? तो बुधवार आएगा। ऑप्शन से नन ऑफ दीज, ऑप्शन से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। हाँ तो ये सवाल है, कह रहा है ए डॉलर बी का मतलब ए बी की माँ है, हैशटैग का मतलब ए बी का पिता है, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, और परसेंट का मतलब ए बी की बेटी है। तो निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि एन का भाई एच है, मतलब एच एक मेल पर्सन चाहिए, एच एक मेल पर्सन चाहिए और एन का भाई कौन है? तो एच है, एन का भाई एच है। अच्छा बताओ, एच पुरुष चाहिए लेकिन अगर कहीं पर एच डॉलर लिखा हुआ मिल जाए आपको, एच डॉलर लिखा हुआ मिल जाए तो एच किसी न किसी की माँ हो जाएगी, या कहीं एच परसेंट लिखा हुआ मिल जाए तो एच किसी न किसी की बेटी हो जाएगी। हमको एच क्या चाहिए? पुरुष। क्या एच डॉलर या एच परसेंट कहीं पर है? एच डॉलर या एच परसेंट है कहीं पर? नहीं पर। अब देखो एच अंतिम में दिया हुआ है दो जगहों पर। जेंडर क्लियर होगा कि नहीं? तो जेंडर क्लियर तब होगा जब डॉलर का मतलब पति पत्नी हो या बेटा बेटी। डॉलर का मतलब क्या है बताओ? माँ है। मतलब एच का यहां जेंडर ही क्लियर नहीं होगा, एक काट दो करके देख लो, नहीं आएगा। परसेंट का मतलब क्या है बताओ? परसेंट का मतलब बेटी, यहां जेंडर क्लियर हो सकता है। ठीक है तो जरा बताओ एच की बेटी कौन हो जाएगी? डी। हमको क्या चाहिए?
तो एच जी का भाई चाहिए, एच कौन चाहिए, एन का भाई चाहिए, एच की बेटी हो गई, या बेटी का ये कौन, तो बेटी का पति, मतलब ये दामाद हो गया, एच की बेटी हो गई, ये कौन है, बेटी का पति मतलब दामाद, और दामाद का ये कौन हो जाएगा, परसेंट का मतलब दामाद की बेटी मतलब नतनी हो जाएगी, बी खत्म। आप यहां पर हैं, आप मेल हैं ऑलरेडी, मेल फेमस तो काट दिया, आपकी ये कौन, डॉलर का मतलब आपकी मां, आपकी मां, आपकी मां का ये कौन, तो एट द रेट का मतलब पति, आपकी मां का पति मतलब पापा, आपकी मां का पति मतलब पापा, आप पापा का ये कौन, तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट का मतलब बेटी, यहां से आंसर आ गया, पापा की बेटी मतलब कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो अगर ये बहन है तो आप उसके भाई होंगे, ये बहन है तो आप उसके भाई, वहीं पर चेक करो, वहीं पर चेक किया करो, ठीक है। मान लो ये आप हैं तो आपकी मां, आपकी मां का पति मतलब पापा, आप पापा की बेटी मतलब बहन, तो ये बहन तो आप उसके भाई नहीं हुए, हो गए। चलो अगला सवाल क्या कहता है, तो देखो जरा, चलिए हाँ, तो क्या कहता है, देखो अगली आकृति क्या होगी, बस पोजीशन को देखो, ये पोजीशन अभी यहां है, ये पोजीशन अभी कहां है, तो यहां पर, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से यहां आ गई, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो जरा बताइए अब ये कहां पर आ जाएगी, तो 90 डिग्री घूम जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो यहां आ जाएगी, कहां आएगी, यहां, यहां पर, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इसमें है, मतलब ए या डी होगा। अच्छा जरा बताइए ये कहां पर है, ऊपर की तरफ, घूम गया तो इधर हो गया, घूम गया तो नीचे हो गया, घूम जाएगा तो किधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है तो आंसर क्या चला जाएगा, डी, आंसर क्या चला जाएगा, तो डी चला जाएगा, क्लियर। चलो फिर अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, हाँ तो क्या किया, कुछ नहीं, देखो ये चार है मतलब दो का स्क्वायर है, चार है मतलब कि ये दो का स्क्वायर है, ये नौ है मतलब तीन का स्क्वायर है, तो दो गुना तीन छह आ गया, ये नौ है मतलब तीन का स्क्वायर है, ये सोलह है मतलब चार का स्क्वायर, तीन गुना चार बारह, तो जरा बताओ ये सोलह है मतलब चार का स्क्वायर होगा, आ क्या गुना करें, 20 आ जाए तो 5, आ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, मतलब वहां अगर 25 रहता तो 5 हो जाता, 5 गुना 4 20 आ जाता, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 25, क्या हो जाएगा, तो बी 25 हो जाएगा। चलो अगला सवाल ये रहा, चलिए कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ दो स्थान बदले, 16 लड़के हैं टोटल, अब कह रहा है इस 16 लड़कों में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ दो स्थान बदले तब वह बाएं किनारे से सातवां हो गया, मान लो कि पहले अमित यहां था, अब ये दो स्थान खिसक गया तो अमित यहां आ गया, तो जैसे ही अमित दो स्थान बाएं खिसका वो सातवां हो गया, इसका मतलब पहले नौवां था, पहले बाएं से नौवां था, तो पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या होगी, जरा बताइए दाएं किनारे से उसकी स्थिति क्या होगी, तो क्या है एक तरफ से नौ है तो दूसरे तरफ से क्या, बेसिक भी निकाल सकते हैं, टोटल 16 यहां तक 9, तो 9 7 16 मतलब इधर कितने बच्चे हैं, 7, 7 के बाद ये क्या हो जाएगा, आठवां, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका टोटल में एक बढ़ा लीजिए, जब भी एक तरफ का रैंक पता हो दूसरे तरफ से उसी का रैंक निकालना हो तो टोटल में एक बढ़ा लीजिए, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू आठवां, ऐसे भी बना सकते हैं, और आज यूट्यूब पर, आज यूट्यूब पर मैंने यही करवाया था, करवाया था ना मैंने, अगला चलिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कथन कि किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सुलझा लें, किसी समस्या से अगर बचना चाहते हैं, कितना अच्छा लाइन है,
कि किसी समस्या से अगर आप बचना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सुलझाएं। हम उसे क्या करें? सुलझाएं। पहला, तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा यदि तुम उस समस्या का सामना करोगे। तुम्हारा जीवन तो बताइए निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि नहीं रख रहा है। दूसरा, समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। दूसरा सही होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। दूसरा सही होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। होगा? आराम से होगा जी, सिंपल सी बात। ये भी तो वही कह रहा, समस्या से बचने के तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, इसलिए उसे सुलझाओ। तो आंसर केवल निष्कर्ष दो कहां है? तो बी नंबर में। अगला, ये सवाल अभी हाल ही फिलहाल में ठीक है करवाया है मैंने। क्या कह रहा, किसी घड़ी में 2:32:11 बज रहा है तो घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो क्या करते हैं, तो 2:32:11 इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2:11 × 8 88 और 8 96 बाकी 9 33 9 42 426/11। अब करना क्या है, तो इसको 60 से गुना करना है, इसको 11 से, घंटे को 60 से, मिनट को 11 से, तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 11 और 11 कट जाएगा 426, जो बचेगा आधा कर दीजिएगा, तो 426 में से 120 गया तो 306 हो जाएगा। अब उसका आधा कर दीजिए, बचेगा 88 9 33 9 42 32 8/11 हम 38 लिख लिया, देख रहे हैं ए यार 32 ना होगा, देखा इतना 22 8 30 11 2 22 8 30 3 33 और 3 36 360/11 11 कट गया तो 120 माइनस कितना 360 मतलब 240/2 120 डिग्री। ऑप्शन से सी हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा, क्लियर? कुछ नहीं करना है, घंटे को 60 से गुना, घंटे को 60 से गुना, मिनट को 11 से गुना, जो भी अंतर आएगा उसको आधा कर दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व। या ये भी कर सकते हैं, 11m/2 माइनस 30h, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप, है ना। चलो फिर अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, क्या कहता है? 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91 तो अगला क्या होगा? 1 से 2 में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 2 से 6 में 4 बढ़ा। 6 से 15 में 9 बढ़ा। उसके बाद 16 बढ़ा। 16 के बाद 25 बढ़ा। 25 के बाद 36 बढ़ा। पक्का अगली बार 49 बढ़ेगा। कहे क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो बचाओ कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा क्या कह रहा है? जो संबंध नहीं है, ओहो मुझे लगा अगला निकालना है, ये हटाओ। तब देखो तो गलती कहाँ है, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 9, 15, 15, 16, 31 यहां तक तो ठीक, 31 और 25 56 ठीक है, 56 36 91 अब तो सही है। इसमें जो इस श्रृंखला से संबंध नहीं रखता हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 8, 6 ओहो देखो यहां पर होना क्या चाहिए? 92 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 92। 91 गलत है, मतलब 91 आपका क्या है? गलत, क्योंकि 56 में 36 जोड़िए तो 92 होगा और वहां पर क्या है? 91। क्लियर? चलो फिर अगला सवाल, चलो। कथन और दो पूर्व धारणाएं दी गई है, क्या कहता है? तो देखोगे जरा, कह रहा कथन की कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी थी।
मतलब कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम मतलब एनुअल जो कार्यक्रम होता है ना रद्द करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी कोई मांगे नहीं मानी थी। इस पर पूर्व धारणा है, हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें तो हां। दूसरा, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दें। हो सकता है प्रबंधन, अब पहला तो निश्चित तौर पर सही होगा, दूसरा सही होगा कि नहीं ये बताओ। दूसरा सही होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसको रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। हाँ, काम क्या है इसको मनाना होगा, केवल एक। अगला और शायद अंतिम सवाल है, चलिए क्या कह रहा है देखिएगा जरा। एक त्रिभुज है, इसको हाफ मोड़ दिया गया, फिर ऊपर से नीचे मोड़ दिया गया। ये बताइए जब खुलेगा तो ये इतना कट है और ये इतना कट है, ये खुलेगा तो ऐसा कट बनाएगा, फिर ये ऐसा कट बनाएगा, फिर ऐसा, फिर एक इस तरह से, तो दो बड़ा वाला बीच में एक छोटा वाला, कौन सा हो जाएगा? दो बड़ा वाला बीच में छोटा वाला, तो ए स्क्वायर तो कभी बनेगा नहीं, आधा ट्रायंगल बनेगा नहीं, आधा ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो फिगर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर ए हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त तो होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग मैथ का सेशन एंजॉय करिए, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। करते हैं बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आया हुआ है, ध्यान से देखना है, सरल करना है इसको, सरल करना है भाई, तो सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1/2 है, 1/2 क्या है, ये 2 है, 1/2 में 1 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 को उल्टा कर दोगे, गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 को 1 में जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 5/3, 5/3 को उल्टा कर दोगे 3/5 आ जाएगा गुना में, और 1 में 3/5 को जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 8/3, और 8/3 को फिर गुना कर दोगे यहाँ पर तो 3/8 आ जाएगा उत्तर। ये कुछ गलती तो नहीं हो गया, 8/5 यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये 1/2 हो जाएगा। देखो 1/2 में 2 है, 1 + 1/2 मिलकर के क्या आ जाएगा बोलोगे, 1/3, ये आ जाएगा 1 3/2, गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, 1 में 2/3 को जोड़ दोगे तो इतना दूर आ जाएगा 5/3, 5/3 को फिर गुना कर दोगे तो 3/ क्या आ जाएगा, ये 5 उल्टा हो जाएगा। 1 में 3/5 को जोड़ोगे तो 8/5 आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा, और 8/5 को उल्टा यहाँ पर करके गुना कर दोगे, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 5/8। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, उसके द्वारा बाहर की यात्रा में लिया गया समय वापसी यात्रा में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है, यदि वह जाने से गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से लौटा है तो बाहर का यात्रा करने के लिए उसकी गति क्या थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, एक तरीका है हमारे पास, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर बराबर हो जाता है दूरी। एक बार यह जिस स्पीड से गया, जिस स्पीड से गया, मान के चलते हैं कि यह एक्स के स्पीड से गया और वापस आ रहा था x+10 के स्पीड से, x-10 के स्पीड से। ठीक है, x+10 के स्पीड से। ठीक है, तो x+10 के स्पीड से अगर यह वापस आ रहा था, हम बोलेंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना क्या हो जाएगा, समय का अंतर। समय का अंतर क्या है, 5 घंटा अधिक लग रहा है, और इससे हमारे पास क्या आ गया, टोटल जो दूरी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 किलोमीटर।
पांच से काटोगे पांच दुनी दस हो जाएगा, दो को कर दोगे 300 से गुना, तो x को अगर हम x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 600। 600 का क्या मतलब हो जाएगा, एक ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर तो 600 आ जाए, लेकिन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हम बोलेंगे x को आप 20 रखिए और 20 प्लस 10 मिलकर के क्या आ जाएगा 30, यानी हम बोल सकते हैं इसकी जो गति थी बाहर जाने की यात्रा में जो इसकी गति थी 20 थी और वापस आने में जो इसकी यात्रा थी वो क्या थी बताओ 30 थी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालो ये तो हम बार बार बताते ही रहते हैं, चालों का गुणनफल बटे चालों का गुना समय का अंतर बराबर हो जाता है दूरी के। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना है। एक लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 3:1। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 3, यहाँ पर 3 ही रहने दो, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr(r+h), यही होता है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बटे ये हमारे पास हो जाएगा 2πr(2πr)h, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr(r+h) हो जाता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr(h) हमारे पास हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस दोनों का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 3:1। हम ऐसा करते हैं 2πr को काट देते हैं, बोलो काट देते हैं क्या। तो अब ये बताओ कि h अगर हमारे पास एक आएगा, यानी x मान लो, इसको x मान लो और इसको 3x मान लो, तो आप बताओ कि h अगर x को मानोगे तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r प्लस h है 3x, 3x में से 1x को घटा दोगे तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जैसे ही ये बात पता चल गया तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लंब वृत्तीय के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2π, पाई के जगह पे लिखोगे 22/7, r के जगह पे क्या लिखोगे 2x, बोलो लिखोगे क्या, इनटू r+h का मतलब हो जाएगा 3x, और ये बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1848। 1800 क्या आ जाएगा बताओ, 48, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करो तो हम इसको 3 से काट देते, 3 × 18 16 × 48 22 × 44, 44 को डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 88, 88 से 8 × 56 क्या 7 बार में कट जाएगा क्या, तो x इंटू एक्स बराबर आ गया है, x स्क्वायर बराबर आ गया है 7×49 के, तो जो x का मान आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ 7, और जैसे ही x का मान आ गया है 7, यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो r है वो आ जाएगा 7×14 और h जो है वो आ जाएगा 7। क्वेश्चन पूछा है इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन, तो आयतन हो जाता है 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 14×14 और ये हमारे पास एच क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 7 आ जाएगा, 7 से 7 काट लेते हैं, 14×14 196 का डबल कर दोगे 6×12 19×38 392 आ गया, और 392 को हम 11 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2×9 = 11, 9×3 = 12, 1×13 और 3×1 = 4। क्या उत्तर हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा क्या, 4312 सेंटीमीटर क्यूब, 4312 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पर क्या किया, आर निकाल लिया, एच निकाल लिया, और इस क्वेश्चन को आर और एच लगा करके क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया है सॉल्व। बढ़े आगे, क्लियर है ये, चलिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, और यह ट्रेन 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो x का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले तो ये बताओ, अगर यह x किलोमीटर प्रति घंटा है और इस x किलोमीटर प्रति घंटा से यह 30 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो हम बोलेंगे इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, और मीटर प्रति सेकंड को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा बताओ, ये टाइम आ जाएगा, तो यहां से हमें पता चल गया कि 6×5=30 और 6 × 3 = 18, हम लोग बोल सकते हैं 25x
25x/3। क्या आपको ये बात पता है क्या कि 25x/3 जो है ये टोटल डिस्टेंस आया, और टोटल डिस्टेंस अगर आया है उसमें से प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारे पास दिया हुआ 300 मीटर। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या दिया हुआ 300 मीटर। हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा बोलोगे, 25x/3 में से हम 300 मीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 300 मीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या हुआ कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, एक व्यक्ति को यह क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, और जब एक व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो वह अपने लेंथ को क्रॉस करेगा, तो हम बोलेंगे अपना लेंथ तो हमें पता ही है, अपना लेंथ हमें पता ही है, तो हम बोलेंगे एक्स माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम इसको गुना किससे करेंगे, 5/18 से, और 5/18 से गुना करने के बाद यह कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो बोलोगे 20 सेकंड में यह क्रॉस कर रहा है, और 20 सेकंड में जो क्रॉस कर रहा है तो आप बोलोगे ये किसका लेंथ निकलेगा, ये लेंथ निकलेगा ट्रेन का लेंथ। किसका लेंथ निकलेगा, ट्रेन का लेंथ निकलेगा। सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दोगे इसको, तो यहां से सॉल्व कर दो, देखो यहां पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा, ध्यान से देखो 5/18 थोड़ा इसको काट लेते हैं, ये 9 आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया, 5 × 10 = 50/9 को x से गुना करोगे, ये आ गया 50x/9। ओके, माइनस 50 × 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300/9, 300/9 ये 9 आ जाएगा। ओके, और ये बराबर जो हो जाएगा ये आ जाएगा 25x/3 माइनस किसके आ जाएगा 300 के, तो इसको हम घटा डालते हैं, 50x/9 25x/3 को घटा देते हैं, 25x/3 में से 50x/9 को घटा दो, 3 × 3 = 25 में से 50 घटाओगे तो यह आ जाएगा 25x/9। ओके, और 300/9 है तो हम इसको कर सकते हैं, 9 × 2700 में से 300 को घटा दोगे तो ये 2400 क्या आ जाएगा, बताओ 9 आ जाएगा। अब देखो तो क्या 9 से 9 कट गया, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 24 × 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये टाइम एंड डिस्टेंस का। एक बार हम और से रिपीट कर देते हैं, बात पे ध्यान देना। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर कोई ट्रेन है जिसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, बोलेंगे 5/18 से गुना कीजिए, और 5/18 से गुना करोगे 30 सेकंड में यह एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो अपने लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्रॉस करेगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 25x/ क्या आ गया है हमारे पास, ये 3 जो आ गया है, इसमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी है और लेंथ ऑफ ट्रेन भी है। प्लेटफॉर्म का लेंथ 300 मीटर दिया हुआ, 25x/3 में से हम 300 मीटर को घटा देंगे तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। अब इसी लेंथ ऑफ ट्रेन को एक आदमी को यह क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब है अपने लेंथ को क्रॉस करना। अब एक आदमी को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा एक्स माइनस 6, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करोगे 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 20 सेकंड में यह क्रॉस कर रहा है, तो 20 सेकंड में अगर क्रॉस कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। फिर हमने सॉल्व किया, यहां से x का मान आ गया है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4818, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाता है 4818, ठीक है, और 6 वर्ष का मतलब हो गया अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में यह हो जाता है 7227। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह राशि कितनी है, तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 वर्ष में इस दोनों का रिलेशन वही होगा जो इस दोनों का रिलेशन होगा। बात आ रहा समझ में, हमने क्या कहा, हमने कहा कि 3 वर्ष में प्रिंसिपल और 4818 का रिलेशन वही होगा जो 4818 और 7227 का रिलेशन होगा। रेशियो निकालोगे तो 24 × 48 = 9 × 18 24 × 48 = 9 × 18 24 × 72 = 9 × 27 क्या रेशियो 2:3 आ गया क्या? और जैसे ही रेशियो 2:3 आ गया तो आपको यह भी बात समझ के चलना पड़ेगा कि इस 3 वर्ष में अगर 2:3 है तो इस 3 वर्ष में भी 2:3 क्या होगा, 3 ही होगा। 3 यूनिट = 4818 की, तो 1 यूनिट = 16 × 48 6 × 18 1600 की, तो 2 यूनिट = हो जाएगा 1600 को दुगुना कर दोगे 16 × 2 = 3200 क्या आ जाएगा, ये 12, 3200 क्या आ जाएगा, 12। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3212। यह प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे। ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है और ये एएलपी सीबीटी 1 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी लोग। अप्रोक्सीमेशन का हम लोग इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। ताजी मछली को सुखाया जाता है तो उसके वजन का 1/3 वजन
कम हो जाता है। रेशमा 963 केजी ताजी मछली 25 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदती है, जब वह सूख जाती है तो उसे 108.50 रुपया प्रति केजी के दर से बेच देती है। तो अर्जित लाभ ज्ञात करें, रुपया के रूप में हमें अर्जित लाभ ज्ञात करना है। किसके रूप में? रुपया के रूप में हमें क्या करना है? अर्जित लाभ ज्ञात करना है। अब रुपया के रूप में अर्जित अगर लाभ ज्ञात करना होगा तो ध्यान से सुनो, जो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा टोटल है 963 केजी। अब 963 केजी को ये खरीदा है जाकर के 25 रुपया प्रति केजी के दर से, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो हमारा हो जाएगा, इस बात पे ध्यान दो, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, तो बोलोगे 963 है, इसको सुखा लिया, सुखा लेगा तो एक तिहाई वजन कम हो जाएगा, और जैसे एक तिहाई वजन कम होगा ठीक हो जाएगा हमारे पास दो तिहाई वजन हो जाएगा। और दो तिहाई वजन अगर हो गया है तो इसको, इसका जो रेट है वो है 108.50 रुपया, 108.50 रुपया से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये बताइए कि सेलिंग प्राइस आया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आया हुआ है, सेलिंग प्राइस में से जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि बड़ा संख्या है, गुना करने में बनेगा नहीं, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 36 तिया 108 और 16 तिया क्या होता है 48। बोलो ठीक है। अब यहां से देखो 36 दुनी 72, लगभग में 72 रुपया, तो हम बोलेंगे 963 गुना 72 में से 963 गुना 25 घटा दोगे 72, लगभग में मान लेके चल रहे हैं, तो 973 गुना 963 गुना 72 माइनस 25 कर दोगे, 72 में से क्या कर देना है हमें, 25 को माइनस कर देना, 72 में से 25 को माइनस कर दोगे तो 7 5 12, ये 6 में से घटा दोगे तो 47 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 963 को जो गुना करना पड़ेगा वो गुना करना पड़ेगा 47 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 47 से। अब 47 को भी हम कैसे गुना करेंगे? सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, 50 माइनस 3 करते हैं, 47 को 50 माइनस 3 करेंगे, 963 को 50 से गुना करने का मतलब है, 963 को 50 से गुना करने का मतलब है, 963 को 100 से गुना कीजिए, आधा कर दीजिए, 100 से गुना करने का मतलब 963 गुना 100, आधा कर दो, तो 48,150 माइनस कर दोगे 963 गुना 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 9 तिया 27 1 28, 2889 को माइनस कर दो, लगभग देखो 48,000 में से 2800 को माइनस कर दोगे, या 48,000 में से 2000 को माइनस कर दोगे, तो 2000 को माइनस करने पे आ जाएगा 46,000, मतलब जो भी आंसर आएगा 45,000 के आसपास आंसर आएगा, और 45,000 के आसपास जो आंसर है वो हमारे पास क्या है बताओ, बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर हमने अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया है, बात आ रहा समझ में, अगर गुना करने के चक्कर में रह जाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, ये लगभग में कट रहा था, 963 को हमने जानबूझ करके कॉमन लिया, 963 को कॉमन लेने पर 72 माइनस 25 आ जाएगा 47, 963 को 47 से गुना कर दो, लगभग में 47,000 से थोड़ा सा नीचे, ये ऐसे भी बोल सकते हैं ये हजार है, हजार से कम है, तो 47,000 से थोड़ा सा नीचे, 47,000 से थोड़ा सा नीचे वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मिताली की वर्तमान आयु का शबनम की वर्तमान आयु के साथ रेशियो दिया हुआ। मिताली की वर्तमान आयु अगर 4 है तो ये शबनम की वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, 7 है। 5 वर्ष बाद शबनम और मिताली की वर्तमान आयु, शबनम का 5 वर्ष बाद, ये जानते हो क्वेश्चन गलत है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन और भी आया था, यहां पर ठीक कर दो इसको, क्वेश्चन ही गलत है। जहां पर शबनम लिखा हुआ है वहां पर मिताली लिखो, जहां पर शबनम लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखोगे, मिताली, और जहां पर मिताली लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख दो, शबनम, क्या लिख दोगे, शबनम, ठीक है। 5 वर्ष बाद मिताली, देखो 5 वर्ष बाद मिताली और शबनम के आयु का अंतर है 13 वर्ष, बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था। 5 वर्ष बाद मिताली अगर 5 वर्ष बढ़ गया तब अंतर था 13, मतलब फिर से पीछे आएगा अपने जगह पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 13 + 5 मिलके 18, सिंपल सा लॉजिक, बात पे ध्यान दो। हमने कहा कि जैसे 4x है, ये हमारे पास 4 + 13 वर्ष है, 4 + 5 वर्ष, इस दोनों का अंतर हमारे पास 13 वर्ष दिया हुआ, ठीक है। तो 13 अगर दिया हुआ है तो हम यहां से ये बोलेंगे कि 5 वर्ष जब जुट रहा है तब भी 13 वर्ष का अंतर है, अगर 5 वर्ष हम घटा देते हैं तो इसका मतलब ये वाला 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, हम बोलेंगे 13 + 5 मिलकर के क्या हो जाएगा 18,
अब 13 + 5 मिलकर के हो जाएगा 18। अगर आप बात समझ चुके हैं तो ये हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दोनों का अंतर आ गया 3 और यही 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 × 18 6 वर्ष के। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिताली और वर्तमान, मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का योग क्या है, तो 4 + 7 मिलकर के 11, 11 कुछ किसे गुना कर दोगे उत्तर आ जाएगा 66 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, डी, बोलो क्लियर। ठीक है, बोलो क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन में ठीक कर लेना दोस्त, क्वेश्चन में ठीक कर लेना। आप देखो बोलोगे इससे नहीं समझ में आया, हम इसको 4x मान लेते हैं, 4x में मिताली में 5 वर्ष को जोड़ दो और ये हमारे पास शबनम क्या हो जाएगा 7x। इस दोनों के बीच में जो अंतर है ये है 13 वर्ष का, कितना वर्ष का 13 वर्ष का। 7x में से 4x को घटाओगे 3x, माइनस ये हो जाएगा -5 बराबर किसके 13 के, तो 3x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 18, यानी x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास क्या, x का मान आ जाएगा 6। और जैसे ही x का मान 6 आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोनों का योगफल क्या होगा, तो 7 × 4 = 11x, 11 को 6 से गुना कर दोगे 11 × 6 क्या आ जाएगा बताओ 66 वर्ष, बोलो क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक्स दिनों में किसी निश्चित कार्य को कर सकते हैं, अकेले कार्य करते हुए ए और बी को उस कार्य को करने में क्रमशः x + 8 x + 18 दिनों का समय लगेगा, तो ए और बी को एक साथ काम करने में समान कार्य का साथ, ये कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। जब ए और बी किसी कार्य को मान के चलिए कि एक्स दिनों में कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ए उससे ए दिन अधिक लेता है जबकि बी उससे x + b दिन अधिक लेता है, बात आ रहा समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन में x बराबर हम डायरेक्ट लगा देते हैं √ab, √ क्या हो जाएगा ab, अंडर रूट क्या आ जाएगा ab, ये बात का ख्याल रखना। अब देखो यही पर वही क्वेश्चन है, a के पास हमारे पास दिया हुआ बोला है x + 8 दिन लग रहा और x + क्या लग रहा बताओ 18 दिन, तो x का मान आ जाएगा 18 × 8 = 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, x का क्या आ जाएगा बताओ 12, बोलो क्लियर है। तो जैसे ही x का मान आ गया है 12, तो a + b मिल करके इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, उत्तर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बस उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उस तरीके को याद रखना है, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड का चीज है। बोलेगा अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, ए अलग अलग कितने दिन में, जैसे ही x का मान आया है 12 में 8 को जोड़ दोगे तो 12 + 8 मिलकर के हो जाएगा 20 दिन में ए कर सकते हैं, एक्स 12 + 18 मिलकर के क्या हो जाएगा बताओ 30, तो एक्स बी जो है वो इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं 30 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिल के पूछ रहा है इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसको अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो योग है वो किससे विभाज्य है, वो हमेशा 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। दो अंकों की संख्या को अगर दो अंकों की संख्या को पलट करके जोड़ा जाए तो याद रखना ये आ जाता है 11 × a + b। हम यहाँ पर बता देते हैं कैसे, और ए बी में से अगर बी ए को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 9 × a - b। ठीक है, थोड़ा सा ये बात को समझना, ए बी को क्या स्थानीय मान के अनुसार ये दहाई अंक पे है तो हम बोलेंगे 10a और प्लस क्या है ये b, और b को दहाई अंक पे अगर बोलेंगे तो 10b और प्लस क्या आ जाएगा ये a, दोनों को जोड़ो 10a + a मिलकर के 11a + 11b को क्या हम लोग 11 × a + b लिखेंगे क्या। इसी तरह से 10a में से अगर a घटाओगे, 10a में से a घटाओगे तो 9a और b में से -10b करोगे तो -9b, तो वहां से ये हमारा सीन आ जाता है। अब बताओ योगफल बोला किससे विभाजित है, उत्तर हमारा क्या आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बढ़े आगे। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है आपको बताना है आंकड़े 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य कितना है, माध्यिका और बहुलक का माध्य पूछ रहा है। सबसे पहले माध्यिका कैसे निकालोगे बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 है तो इसको आरोही क्रम में सजाओ, जो चौथा होगा, चौथा और पांचवा जो होगा उसका योग का आधा कर दोगे माध्यिका निकल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा 8, पांचवा हो जाएगा 8, दोनों का योग का आधा कर दोगे तो माध्यिका आ गया 8, बहुलक भी 8 ही आ जाएगा क्योंकि 8 सबसे ज्यादा बार आया। बोला बहुलक और माध्यिका, माध्यिका निकल गया, बहुलक निकल गया, इसका माध्य पूछ रहा है तो 8 + 8 का आधा फिर से क्या आ जाएगा 8, उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर,
बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 56 और 84 के उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंडों का योग 400 × 400 − 43 × W, ये x है, मान के चलो x है, तो रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या बढ़े। तो होता क्या है ना, 56 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या सब होगा, 56 और 84 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 56 को काटने वाली संख्या 1, 2, 3 तो नहीं काटेगी, 4 काट देगी, 5 नहीं काटेगी, 6 से नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगी, 8 × 7 काटेगी, 7 × 56 = 8 × 56 14 × 56 ठीक है, 28 × 56 और ये आ जाएगा 56। तो 56 का सारा फैक्टर हमने लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास 84 है, 84 का फैक्टर लिखोगे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 6 से कटेगी, फिर बताओ 7 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी 7 से, या 8 से कटेगी, नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी, 11 से, 12 से, 12 × 84 हो गया, 14 × 84 हो गया, ठीक है, 21 × 84 हो गया, और 3 से गुना करो 28 × 84 हो गया, और 42 × 84 हो गया, और ये 84 हो गया। तो अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको समापवर्तक भी बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर को समापवर्तक भी बोल सकते हैं, बताओ क्या आ जाएगा, बोलोगे सर इस दोनों में कॉमन है 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा बताओ 4, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 7, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 14, क्या आ जाएगा 14, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 28, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, सबको जोड़ दो, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2 × 1 = 3, 4 × 3 = 7, 7 × 7 = 14, 14 × 2 = 28, 28 + 28 मिलकर के 56। अब यही जो योगफल है यह बराबर किसके है जानते हो, 400 − 43 × x के, तो 43 × x को बराबर किस तरफ लेके आओ, ये आ जाएगा 43 × x, और 400 में से 56 को घटा दोगे तो 344, देखो तो कट रहा क्या, 3 × 8 = 24, 4 × 8 = 32, 8 बार में कट गया, तो बोला रिक्त स्थान पर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, बी, बोलो क्लियर, बढ़े आगे। तो आपको निकालना है पहले समापवर्तक, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको निकालने के बाद उसका योगफल देखना है, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद उसका योगफल देखना है, ठीक है। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 48 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीन व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, ABC के समूह का औसत वजन है 70 kg, यहाँ पर देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन सब का जो एवरेज है, इन सब का एवरेज हमारे पास दिया हुआ 70 kg, कितना केजी दिया हुआ है, 70 kg दिया हुआ, ठीक है 70 kg। अब क्या कह रहा है, देखो आवाज हमें लगता है कि कम है, क्या आवाज कम है, देखो उसका थोड़ा बढ़ा दो तो आवाज, हेलो, ABC एवरेज क्या दिया हुआ 70, डी भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता, डी जैसे ही शामिल होगा, अगर यह 70 लेकर के शामिल होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला इसका एवरेज पे फर्क पड़ा है, इसका एवरेज पे फर्क क्या है, पड़ा है, और एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 60 kg, कितना kg 60, तो बोलोगे अगर 60 kg हो गया है तो 10 kg एवरेज घट गया, अगर 10 kg एवरेज घट गया है तो इसका मतलब है 10 × 40 kg कम लाया, 10 × 40 kg ये कम लाया, हम यहां से बोल सकते हैं जो D का जो वजन है वो क्या हो जाएगा 30, 40 घटा दिए 70 में से, 70 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज हो गया 60, एवरेज अगर 10 घट गया है तो 10 × 40 कम लाया, 70 में से 40 कम लाया, D का आ गया है वजन 30 kg। अब क्या बोला, अब बोला है कि जो एक व्यक्ति ई है जिसका वजन डी से 5 kg अधिक है, एक व्यक्ति ई है जिसका वजन डी से 5 kg अधिक है, यानी 35 kg है, कहा ये जा रहा है कि आपको बताना है ए की जगह ले लेता है, अब इसमें ए की जगह ले रहा है, ये हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, अभी तक जो इसका औसत वजन है वो हमारे पास क्या आया हुआ है 60 kg आया हुआ, ठीक है 60 kg आया हुआ, अब क्या करता है ई आता है, ई अगर आया और ए अगर गया, ई आया 35 kg लेके, ए भी 35 kg लेके जाता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर ई आया 35 kg लेके, ए भी 35 kg लेके जाता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्रभाव पड़ा है, प्रभाव क्या पड़ा है तो 59 kg हो गया, बोला है 20 TE का जो एवरेज वजन है वो 59 kg हो गया, तो हम बोलेंगे 1 kg कम हो गया,
अब इस ग्रुप का अगर एक केजी कम हो गया तो चार का चार में से एक एक केजी कम हो गया तो टोटल चार केजी कम हुआ, और चार केजी अगर कम हुआ तो इसका मतलब है कि ए जो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है 39 केजी। तो यहां से क्वेश्चन में फिर बोला कि ए डी ई का औसत वजन क्या है निकटतम पूर्णांक के लिए सही। अब बताओ ए डी ई का पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, ए का जो औसत वजन है प्लस डी का औसत वजन है प्लस ई का औसत वजन, सबको जोड़ करके तीन से भाग देंगे। ए हमारे पास आया है 39, डी हमारे पास आया है 30, और ई हमारे पास जो आया है वो आया है 35। जोड़ करके किससे भाग दोगे, तीन से, 30 या 90, 90 में 14 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 104, 104/3 यह आ जाएगा 105/35, लगभग में 35 केजी के आसपास, लगभग में 35 केजी के आसपास उत्तर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पर पावर एक्स बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड है, ए बी सी का मान एक दिया हुआ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बताओ सबसे पहले कि अगर ए पर पावर एक्स बराबर है बी पर पावर वाई के और बराबर है सी पर पावर जेड के और बराबर हम लोग मान लेते हैं के, तो यहां से बताओ अगर ए पर पावर एक्स बराबर के है तो हम ए का जो मान है क्या के पर पावर 1/x लिखेंगे क्या, बिल्कुल। और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी पर पावर वाई बराबर के है तो बी बराबर आ जाएगा के पर पावर 1/y। इसी तरह से सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा के पर पावर 1/z। तीनों को अगर आपस में गुना कर दोगे, तीनों को आपस में गुना कर दोगे तो ए बी सी बराबर के पर पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब बोलेंगे 1/x प्लस 1/y अब प्लस क्या आ जाएगा 1/z। अब बोला है ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी बराबर एक है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर एक है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, के पर पावर 1/x प्लस 1/y और 1/z बराबर क्या हो जाएगा एक के, और जहां एक है तो क्या के पर पावर जीरो भी लिख सकते हैं एक को, ए बी सी के जगह पे हमने लिख दिया एक, एक के जगह पे हम लोग के पर पावर जीरो भी लिख सकते हैं। अब बेस बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर जीरो है तो एक्स वाई जेड ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, एक्स को छोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगा वाई जेड, वाई को छोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स जेड और जेड को छोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स वाई, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो की। अब एक्स वाई जेड जाकर के जीरो से गुना हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या रह जाएगा, बोलोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या रह जाएगा बताओ, बोलोगे सर जीरो रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको समझ में बिल्कुल सही तरीके से आ गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, एक नौ धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जब भी जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ स्टीम को घटाएंगे, यानी बी माइनस एस उसका क्या मान लेंगे हम लोग, स्पीड मान लेंगे, ठीक है नाव का। और अगर धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस एस मान लेंगे धारा का, नाव का। तो 27 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो बी माइनस एस से जा रहा होगा, जबकि 33 किलोमीटर जा रहा है या धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, तो जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे का, कितने घंटे का, 6 घंटे का। इसी समय में यह 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यह जा रहा 36 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 36 किलोमीटर, और 22 किलोमीटर जा रहा है या धारा के अनुकूल, 22 किलोमीटर जा रहा है या धारा के अनुकूल, तो टोटल जो टाइम लग रहा है उतना ही समय लग रहा है, यानी 6 घंटे का ही लग रहा है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि 36 किलोमीटर अगर यह धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल जाए और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाए तो इसको कितना समय लगेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले तो इस दोनों का स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस हमारा क्या कहेगा बताओ, देखो यहां पर कॉमन सेंस हमारा क्या कहेगा, ये 36 नहीं है, ये हमारे पास क्या है बताओ 33 है। कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि 22 को भी वह संख्या काट रही है और 33 को भी वह संख्या काट रही है जो इसके नीचे में, एक ऐसा संख्या लो जो 22 को भी काट दे 33 को भी, तो बोलोगे सर 11 ही तो मिल रहा है, 11 + 33 11 × 22 बस इतना समझो ध्यान से। जैसे ही हमारे पास 11 आया, यहां पर भी 11 रखते हैं, कॉमन सेंस लगाओ 11 + 33, 3 में हम क्या जोड़े कि 6 हो जाए, बोलोगे 3, और 3 × 9 क्या आ जाएगा बताओ, ये 27, यहां पर भी 9 रखोगे तो 9 × 4 क्या आ जाएगा 36, 11 × 2 क्या हो जाएगा 22, 4 + 2 मिलकर के 6 आ रहा क्या, बिल्कुल 6 आ रहा। और जैसे ही 6 आ गया, इस दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर दिया कॉमन सेंस लगा करके, हिट एंड ट्रायल लगा करके, जो आप इसको बोल सकते हो वो।
तो यहां पर जैसे ही पता चल गया b माइनस एस बराबर 9 है और b प्लस एस बराबर 11 है, उत्तर आ गया 9 चौका 36, 11 चौका 44, 4 प्लस 4 जोड़ दोगे तो उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 8 घंटा का, वो क्या आ जाएगा 8 घंटा, आंसर आ गया है डी, आंसर क्या आ गया बताओ डी, बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिस पर ए बी उस वृत्त का एक व्यास है, इसके बाहर चारों ओर इसके शीर्ष को स्पर्श करते हुए बनाया जाता है, कोण ए डी भी बराबर दिया हुआ 140 के, तो कोण बी ई सी का मान क्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है एक वृत्त है, इसमें ए बी हमारे पास क्या है व्यास है, ए बी हमारे पास क्या दे दिया है व्यास, ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है व्यास है, यहाँ पर मान लो केंद्र है। अब हुआ ये कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया, क्या बनाया गया चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी, ठीक है, इसके बाहर ए डी सी का मान दिया हुआ, ए डी सी का मान दिया हुआ 140 डिग्री, ए डी सी का मान दिया हुआ 140, बी ए सी का मान पूछ रहा, बी ए सी का मान पूछ रहा, इसका मान पूछ रहा। अब ये हो जाएगा बिल्कुल आसान, पूछो कैसे, व्यास से परिधि पर बना हुआ जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का, यानी इस दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो 90 डिग्री के बराबर, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल होता है 180, 180 में से 140 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 40, ये हमारे पास है 90, 90 को छोड़ करके इस दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, ये 40 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50, उत्तर आ गया है 50 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बैग में 3 सफेद 2 नीली 5 लाल गेंद होती है, तो एक गेंद बैग यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, क्या प्रायिकता निकाली गई गेंद लाल नहीं है, टोटल में से एक गेंद निकाली गई 3, 2 और 5 मिलकर 3, 2, 5, 5, 5, 10, तो 10 में से एक गेंद निकाली गई 10C1 लाल नहीं है, जब लाल नहीं है तो सफेद या नीली हो सकती है, यानी इसी पांचों में से कोई हो सकती है, तो लिखोगे 5C1, 5C1 का मान 5 आता है, 10C1 का मान 10 आता है, जैसे ही ऊपर नीचे काट दोगे उत्तर आ जाएगा 1/2, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ सी, बोलो क्लियर है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर का, छठी कक्षा की गणित का पाठ्य पुस्तक में 320 पृष्ठ है, अध्याय समिति में 261 से 272 तक बोला है, तक बोला है, तो 272 इंक्लूड है, 261 भी इंक्लूड है, ठीक है, इस अध्याय के पृष्ठों की संख्या और पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, कुल पृष्ठों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ 320, हम बोलेंगे 261 से लेकर 272 तक कैसे निकालेंगे कुल संख्या, तो 272 को पहले लिख दो और उसमें से घटा किसको दो 261 - 1 को, जब तक वाला निकालना हो तो छोटी संख्या में से एक घटा दो और बड़ी संख्या में से घटा दो, ये आ गया 260, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 पृष्ठ, हम यहां पर लिखेंगे 12 पृष्ठ और टोटल पृष्ठ है 320, काट दोगे 4 या 12 4 8 32, उत्तर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3:80, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर है। बड़े आगे 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, a³ + b³ = 416 है, a प्लस बी का मान 16 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab निकालोगे तो लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a² + b² + b² -2ab + ab मिलकर के क्या -ab होगा क्या, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही होगा, इसका मतलब यही निकालने के लिए कहा गया है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें a प्लस बी से गुना कर देंगे तो इस दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारे पास आ जाएगा a³ + b³ के गुणनफल, a³ + b³ बराबर हो जाता है a + b (a²) + b²-ab, अब हमें ये निकालना है और ये हमारे पास दिया हुआ a प्लस बी का जो मान दिया हुआ वो 16 दिया हुआ, जबकि a³ + b³ का जो मान है वो हमारे पास है 416, तो 16 से इसको काट दोगे 16 × 32 16 × 96, तो ये जो हमारे पास आया इसका मान हमारे पास क्या आ गया बताओ, बोलोगे इसका जो मान आ गया है वो आ गया है 26, आंसर क्या आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ डी। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, पाइप पी और क्यू क्रमशः 18 और 27 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, पी किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं, क्यू के बारे में कहा जा रहा है 27 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप आर 54 मिनट में पूरी टैंक को खाली कर सकता है, तो टोटल यूनिट वर्क ले लो 18, 27, 54 का एलसीएम 54, 18 + 54 = 27, 2 × 54 = 54, इकाई 54, बोला पी और क्यू को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया,
अब पी और क्यू को जब 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाएगा तो बोलेंगे 3+2 मिलकर के 5, 5 की एफिशिएंसी से 6 मिनट तक के लिए खोला गया तो बताओ कितना भर जाएगा, बोलोगे सर 30 भर जाएगा। अब क्या हुआ, फिर बंद कर दिया गया, अब आर को खोल दिया गया तो टैंक को अकेले आर कितने कितने द्वारा कितने समय में खाली किया जा सकता है, तो भरा कितना, बोलोगे सर 30 भरा, तो जब 30 भरा तो खाली भी तो 30 ही ना करेगा, इस 54 को थोड़ी खाली करेगा, इसको खाली करेगा 30 को। अब एक के एफिशिएंसी से आर जो है 30 यूनिट को खाली करने में कितने मिनट का समय लगाएगा, तो बोलोगे सर 30 मिनट का समय लगाएगा, 30 मिनट का समय लगाएगा। उत्तर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ सी, बोलो क्लियर। चलिए यहां पर आपको समझना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है इस चीज को, ध्यान से सुनना है, और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं इसके फिगर को। देखो ये क्वेश्चन जैसे ही आए ना हमारे सामने, जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो एक चीज को याद रखना, एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा के। इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे ये बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो। अभी फिलहाल इसको याद रखो, वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा। तो जैसे ही कॉस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसके जगह पे हम लोग कर देंगे, ध्यान से सुनो, जहां पर कॉस थीटा बटे, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस बटे वन माइनस साइन बराबर हो जाएगा वन प्लस साइन बटे कॉस। तो कॉस थीटा बटे वन माइनस साइन है, यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से जहां पर कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा है, इसके जगह पे आप लिख सकते हो वन माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या लिख सकते हो कॉस थीटा। तो इसके भी नीचे में कॉस थीटा, इसके भी नीचे में कॉस थीटा, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो वन प्लस कॉस थीटा में वन माइनस साइन थीटा को हम क्या करेंगे जोड़, ठीक है। और ये बराबर किसके है, चार। साइन से साइन कट जाएगा, दो बटे आ जाएगा कॉस थीटा, और दो बटे कॉस थीटा का जो मान है वो चार है, तो दो से ये दो बार में कट जाएगा, कितना बार में, दो बार में, तो कॉस थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। जैसे ही कॉस थीटा का मान आ गया 1/2, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा का ही उल्टा यानी 2। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो 3/√3 आ जाएगा, 3/√3 आ जाएगा, 3/√3, और रूट थ्री से रूट थ्री टाइम्स ये कट जाएगा। उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2+√3, 2+√3, देखो यहां पर लिखा हुआ है 2+√3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ ए, बोलो क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए तो आज का सेशन बस यहीं तक होता है, और आज का सेशन आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। शुरू किया जाएगा आज का सेशन, पहला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, ये लीजिए। सेशन शुरू हो इससे पहले आप लोग यस कमेंट कर दीजिए, फास्ट यस कमेंट करेंगे। लीजिए पहला सवाल, कहता है किस वन को मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और
नीचे आपका है मैग्रोव वन। बताइए, चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे ही मेरे प्यारे कहते हैं पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पतझड़ वन इसे कहते हैं, इसे मानसूनी वन कहते हैं। ये 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन मिलता है। इस वन के अंतर्गत मेरे प्यारे याद रखना कि इस वन के अंतर्गत, मानसूनी वन के अंतर्गत शीशम, पीपल, बरगद ये सारे किस प्रकार के, तो मानसूनी वन के अंतर्गत। जबकि सदाबहार वन की अगर बात की जाएगी, इसे एवरीग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन क्षेत्र में मिलेगा। ध्यान रहे, अगर आपसे सवाल पूछा गया तो ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत सिनकोना, महोगनी जैसे प्लांट आते हैं। जबकि मैग्रोव वन ज्यादातर मिलता है डेल्टा क्षेत्र में, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में इस वनों की बहुलता है। पर्वतीय वन याद रखेंगे हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। कैसे वन भाई? तो याद रखेंगे पर्वतीय वन। क्लियर? चलिए आंसर आपका क्या रहा है, चलिए फास्ट कमेंट कर देंगे और इसका आंसर याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए बहुत अच्छा कमेंट भी आप लोग का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये सबको पता है किसने, राष्ट्र विहारी बोस ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी भाई? तो राष्ट्र विहारी बोस ने किया था। और याद रखेंगे इन्होंने ही किसकी स्थापना, आजाद हिंद फौज का गठन भी इनके नाम रहा। जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। कौन भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। और याद रखेंगे, और जबकि महात्मा गांधी से संबंध आपको कई बार हम बता चुके हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, विनय अवज्ञा आंदोलन 1930, नमक सत्याग्रह 1930, इसके अलावे याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता 1931। क्लियर? जबकि जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करेंगे तो ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कौन भाई? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता हाल ही में कहां पे महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ, हैदराबाद, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। चलिए 35 नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 35 नंबर का। तो ये हैं, याद रखेंगे हैदराबाद। महाराणा प्रताप की अगर बात करेंगे तो महाराणा प्रताप और याद रखेंगे और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच भाई? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे 36 नंबर का। तो ये सबको पता है कि भाषा के आधार पर 1956 में गठित किया गया था और पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन भाई? आंध्र प्रदेश। 1956 में भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की थी? कहां प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, महतारी परियोजना। चलिए कमेंट करेंगे। देखिए महतारी वंदना योजना कहां? छत्तीसगढ़ में। कहां भाई? छत्तीसगढ़ में। चलिए कौन सी योजना? महतारी वंदना योजना।
दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का निर्माण किया था? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में अब फिरोज शाह तुगलक जो था तुगलक वंश का था, इल्तुतमिश की अगर बात करेंगे ये गुलाम वंश से था, और याद रखेंगे बलबन भी याद रखेंगे गुलाम वंश से ही था, और सिकंदर लोदी का संबंध याद रखेंगे लोदी वंश से ये था। अब कहता है किसने अधिकतम नहरों का निर्माण करवाया था? चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे 40 नंबर का। देखिए अगर बात करेंगे अधिकतम नहरों और कृषि का, अधिकतम नहरों और कृषि का जो विकास किया था, कृषि का विकास किया था वो तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक था। इसने ही याद रखेंगे फिरोजपुर जौनपुर शहर का निर्माण किया था। इसने ही याद रखेंगे फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण भी करवाया था दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला का निर्माण कौन करवाया था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक। कृषि और नहरों का विकास करवाया था फिरोज शाह तुगलक, जबकि गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, जबकि बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश ही याद रखेंगे इकता प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन भाई? याद रखेंगे इल्तुतमिश। ये अपने सेना को वेतन के रूप में जमीन प्रदान करता था, और ऐसी प्रणाली याद रखेंगे इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला प्रारंभ हुआ, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। चलिए गंगा सागर मेला 41 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा, 41 नंबर का। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे तो ये सबको पता है कि आपका गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर याद रखेंगे गंगा बंगाल की खाड़ी में हुगली गिरती है। नेक्स्ट सवाल, कहता है 60 का कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सबको पता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। याद रखेंगे लोकसभा में जीते गए पार्टी के याद रखेंगे सदस्यों के द्वारा याद रखेंगे जिसे मनोनीत किया जाता है, और फिर उसका नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे जो भी पार्टी जीत के जाएगा और जीतने के बाद जिसको दल का नेता चुन लिया जाता है, और फिर उसी को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होता है तो राष्ट्रपति उसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा द्रविड़ साहित्य का हिस्सा नहीं है? द्रविड़ साहित्य का तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत। बहुत अच्छा सवाल है कि द्रविड़ साहित्य का, तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे संस्कृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? संस्कृत हो जाएगा। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी दक्षिण भारत के हैं और ये सभी द्रविड़ साहित्य से हैं, जबकि संस्कृत का संबंध इससे नहीं है। और आज के सेशन का लास्ट सवाल याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों अर्थात गढ़, मध्य शहर और एक निचला शहर में विभाजित था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। तो याद रखेंगे ये था धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है कमेंट कीजिएगा, जबकि लोथल याद रखेंगे कई बार मैंने बताया है, लोथल का संबंध याद रखेंगे गुजरात से है किसका, जबकि कालीबंगा का बात करेंगे तो ये राजस्थान में है, जबकि मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। जबकि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धौलावीरा का संबंध कहां से था, जबकि गढ़, मध्य शहर और एक निचला शहर धौलावीरा में था। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो अर्थात मृत का टीला कहलाता था, कालीबंगा से जोते हुए खेत के अवशेष, काली चूड़ियां
जो मिला है वो याद रखेंगे कालीबंगा से मिला, जो राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे है। लोथल याद रखेंगे गुजरात में, याद रखेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा का प्राचीन बंदरगाह के रूप में था। यहाँ पर याद रखेंगे नाव के यार्ड के अवशेष मिले हैं और ये भोगवा नदी के किनारे था। कौन भाई? तो याद रखेंगे आपका लोथल। तो लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदो पाकिस्तान में। कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट करेंगे कि धौलावीरा कहाँ था। चलिए तो ये आज का सेशन का ये आपका लास्ट सवाल था। कंटिन्यूटी बनाकर रखें, जब भी एग्जाम होगा तो आप लगातार मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और इस 10 सवाल के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।